सारिया किसान जथेबंदियों के आगुआ की अज भुख हड़ताल, शामी 5 बजे तक जारी रहेगी भुख हड़ताल। अज देश के सारे जिला हैडक्वार्टर से दिए जाएंगे धरने, खेती कानूनों के खिलाफ सरकार को अपना विरोध दर्ज करवाएंगे किसान। राजस्थान के किसान हरियाणा के बॉर्डर से डटे, किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर से ही बिताई रात। दिल्ली वाल कूच कर जा रहे किसानों पुलिस ने बॉर्डर से ही रोकिया। हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर से पुलिस ने की बैरीकेडिंग, किसानों के मुताबिक दिल्ली की तरस से इतने भी धरना रहेगा जारी। खेती कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन अज अमृतसर सवेरे 11 बजे, अकाली दल करेगा रोस मुजहरा। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में होगा प्रदर्शन, बिक्रम सिंह मजिठिया सने अकाली दल की समुची लीडरशिप करेगी शिरकत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा से साधा निशाना, किसान विरोधी नेतावान भी सुनाई खरिया खरिया। उद्धव ठाकरे ने आख्या किसानों अतवादी कहने वाले इंसान कहाण के लायक ने। पंजाब भाजपा के आगुओं ने किसानों की मांग को दस्या बेवजह की जिद, केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने किसानों को संघर्ष का रस्ता छड्डन आख्या। सोम प्रकाश ने आख्या केंद्र सरकार ने किसानों की मांग मुताबिक ही मनिया सी सौदा, पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने पंजाब शांति मांग होने का जताया खतरा। दिल्ली के किसानी अंदोलन में शामिल किसान हाकम सिंह की मौत का मामला, किसान जथेबंदियों ने परिवार मृतक का अंतम संस्कार करने किया इनकार। मृतक देह शेरपुर तो कातरो चौंक चा के दिता गया धरना, मंगा मने जाने तक मृतक हाकम सिंह का किया जाएगा संस्कार। किसानी मुद्दे से पंजाब भाजपा का दौरा झटका, महिला सशक्तिकरण की पंजाब इंचार्ज नरेंद्र कौर गिल ने दिता इस्तीफा। राजपुरा तो सोशल मीडिया कन्वीनर प्रभजोत कौर ने भी पार्टी आख्या अलविदा, किसानों गलबात रही हल कढ़ने की दी गई सलाह, केंद्रीय मंत्रियों के वालों बयान। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आख्या हां या ना वाली गल अड़न का मसला नहीं, नक्सलियां कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टियां ने किसान धरने च की घुसपैठ। कैलाश चौधरी ने आख्या अगर किसान दो कदम अगे वधणगे तां दो कदम सरकार भी अगे वधेगी। बटाला च मिसी भाईचार ने किसानों को दिता समर्थन, सैकड़े लोगों ने सड़क उठ के केंद्र सरकार खिलाफ किया प्रदर्शन। रोस दे विच मिसी भाईचार दी औरतों के वालों वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन। अमरीका तो दिल्ली किसान धरना में शामिल होने तो बाद दमदमा साहब विखे नतमस्तक हुए पंजाबी अदाकार अमन धालीवाल। इस मौके अमन धालीवाल ने पंजाबी गायक गुरदास मान का विरोध करने वाले आपसी गैर विरोध की थाई कहकर केंद्र सरकार खिलाफ लड़न की दी सलाह। भारत में गुमराहकुन ट्वीट खिलाफ ट्विटर से की तीजी कार्रवाई, पाकिस्तान मूल के कनेडियन लेखक तारक फतेह ने ट्वीट को किया फ्लैग। ट्विटर से तारक फतेह ने ट्वीट में मैनिपुलेटेड मीडिया दिता करार, तारक फतेह ने सिखों वालों लंडन च कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लाने बारे किया ट्वीट। किसानों ने नैशनल हाईवे 9 के डिवाइडर से शुरू की खेती, मूली गाजर से गोभी की की जा रही है खेती। सिंघू बॉर्डर से गुरदासपुर तो लिया गए बायलर के हर पास हो रही है चर्चा,
ਮਾਇਲਰ ਦੀ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ। ਮਾਇਲਰ ਚ ਕਰੀਬ 3000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨੇਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਥ। ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੁਲੰਦ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਂਗਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਔਟੋ ਖੋਇਆ ਪਰਸ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ। ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਚ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਿਤ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਭਰਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀਤੇ ਢੇਰ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਢੇਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਹਾਦਸੇ ਚ 25 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ।